वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद चाइनीज़ किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लखनऊ के बहुत ही ज़्यादा फेमस गलावटी बोटी कबाब की रेसिपी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गलावट लगाएंगे। इसके लिए मैंने बोटी ली थी और ये मैंने बीफ लिया है, आप मटन बीफ कुछ भी ले सकते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया है पपीते का पेस्ट 3 टीस्पून्स और इसके साथ में ही मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट और साथ में ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ये मैंने रॉ पपीते का पेस्ट ऐड किया है, यानी रॉ पपाया जो आता है मार्केट में उसका पेस्ट आपको लेना है। इससे बहुत ही जल्दी गलावट लग जाती है। और बस इन्हीं कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको इसे कवर करके मिक्स कर दें पहले अच्छे से इसे हैंड्स की हेल्प से या स्पून की हेल्प से, और इसके बाद आप इसे साइड में रख दें। जब तक आपको ये, अगर सर्दियों का टाइम है तो कम से कम इसे आपको 4 से 5 घंटे रखना है, और अगर समर्स हैं तो फिर आप इसे 2-3 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स भी नहीं किया था, मैंने यूं ही इसे रख दिया था और अब ये 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, समर्स हैं हमारे यहाँ। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। जैसे 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है कबाब का मसाला और इसके साथ में ही मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसके बाद में मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून के करीब, और इसके साथ में ही मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही ऐड किया है मैंने, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना पसंद करते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन सभी चीज़ों की क्वान्टिटी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे 1 स्पून की हेल्प से। आप चाहें आप हैंड्स की भी हेल्प से इसे कर सकते हैं। और इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी पहले मैं एक इस तरीके के बोल में, जैसे कि ये अच्छे से मिक्स हो सके। मैं आपको इसका एक पीस भी दिखा देती हूँ। अगर आप जहाँ पर जिस शॉप से लेते हैं कबाब का गोश्त, तो वहाँ पर आप बोल देंगे कि आपको कबाब का गोश्त चाहिए, तो आपको इस तरीके से कट करके देंगे। बोटी कबाब इसी तरह से कट किए जाते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े से पीसेस होते हैं और उन्हें वो इस तरह से पतला पतला सा कट करके देते हैं। और इसी तरीके से आप भी कट करा कर लाएं घर पर, और अगर चाहें तो आप इसे घर पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट से इसे करा कर लाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से मैंने इसे छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए, जिससे कि सारे मसाले इसमें अच्छे से जज्ब हो जाएँ। और इसके बाद अब मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो चलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे आगे के प्रोसेस में ले जाएँगे। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर में ऑयल हीट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है रफली चॉप किया हुआ अनियन। यहाँ पर 2 से 3 बड़े साइज़ के अनियन मैंने लिए हैं और उन्हें रफली चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अनियन को हल्का सा फ्राई हो जाने देंगे और इसके बाद हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें पहले ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे ऑयल में, तो फिर ग्रीन चिली जल जाएगा और अनियन आपका बिल्कुल ड्रॉ रह जाएगा। तो अब हम इसके बाद जो हमने मैरिनेट करके रखा है कबाब, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। एक एक पीस उठाकर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और गाइस, ये कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ये कबाब्स, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइज़, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन सभी पीसेस को ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसे कवर कर देना है। और ये हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, मैं प्रेफर करूँगी आप भी प्रेशर कुकर में बनाएं, क्योंकि किसी खुले बर्तन में मेजरमेंट्स दे पाना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और मैंने इसे कवर कर दिया है। अब मैं इसे 1 विसल आने दूंगी हाई फ्लेम पर और फिर 10 मिनट्स के लिए फ़्लेम को लो कर दूंगी। अब इसने प्रेशर अच्छे से लूज़ कर दिया है अपना, चलिए ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इसमें तीरा है और बहुत अच्छे से कुक हुआ है। मैंने इसमें 2 चिकनी बोटी भी ऐड की थी, ये कबाब में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, इससे कबाब्स का टेक्सचर बिल्कुल मार्केट में जैसा हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, बस मैंने इसमें 2 पीस चिकनी बोटी के ऐड किए थे
और जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इन कबाब्स में। तो अब हम इसे आगे के प्रोसेस में ले जाएंगे। इसके लिए इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है प्लेन फ्लावर, आप कॉर्न फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और इसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है OTG में। इसके बाद मैंने इसे इस तरह के खुले बर्तन में लिया है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल पानी लेना है, ना गर्म ना ठंडा, और धीरे धीरे से इसमें ऐड करके इसकी एक स्लरी बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल थिन सी स्लरी इसकी आपको रेडी करनी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्पून की हेल्प से मैं इसे बना रही हूँ। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, इसीलिए मैं इसे पहले अलग पानी में मिक्स कर रही हूँ। कई सारे लोग सूखी कॉर्नफ्लावर या प्लेन फ्लावर को कबाब्स में ऐड कर देते हैं जिसके लम्स बन जाते हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप इस तरह से पानी में मिलाकर ऐड करें, ये मैं प्रेफर करूँगी। और इसके बाद आप इसे कबाब्स में ऐड कर दें। अब आप इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा निहारी का मसाला, और ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कबाबा, ये भी एक मसाला है और ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इन सभी मसालों को जब आप ऐड करते हैं तो कबाब आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे इसी तरह से भुनने देंगे अच्छे से, जब तक कि बहुत ही टेक्स्चर जो है इसका थिक ना हो जाए और ये अच्छे से कुक ना हो जाए, तब तक कि हम इसे कुक करेंगे। अच्छे से इसे भुन जाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसे ऐसे ही पकने देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे मीठा इत्र। ये खाने वाला मीठा इत्र मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। इसमें 2 ड्रॉप्स आपको ऐड करने हैं और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर, ये भी मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, फ्रेग्रेंस के लिए आती हैं ये सारी चीज़ें। और ये भी मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के करीब। इसके बाद अच्छे से आपको इसे मिक्स कर देना है और अच्छे से इसे भुनने देना है। तो आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी, जब मैंने प्रेशर कुकर ओपन किया था काफ़ी सारा तेल था इसमें, और अब इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। इसका मतलब ये अभी अच्छे से कुक नहीं हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी इसका कवर। आपको कवर लगाना नहीं है, बस ऐसे ही इस पर रख देना है और इसे तब तक कुक करना है जब तक इसमें अच्छे से ऑयल ऊपर नहीं आ जाता निकल कर। और यहाँ पर करीब 25 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है, तो यहाँ पर ऑयल इसमें अच्छे से निकला है बाहर और आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑयल ऊपर आ गया है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे गार्निश करूँगी मैं ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर के साथ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए फटाफट से अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्टली रेडी हैं ये हमारे लखनऊ के फेमस गलावटी बोटी कबाब्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको मैंने आज एक एक टिप्स दे दी होंगी कि आप किस तरह से कबाब बना सकते हैं घर पर ही, और आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। ये लीजिए गाइस, मैंने इसे सर्व कर दिया है और बिल्कुल रेडी है। एंजॉय कीजिए इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।